Good morning, students. Today I am going to discuss the chapter of consequences of breach of contract, means anubandh khandan ke parinam. Okay. So, इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि what is the इससे पहले जो हमने चैप्टर रीड किया था वो था हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक मोड के वे में पढ़ा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो हमारे माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो होता ही यही है कि भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है. सो इस चैप्टर में और इस लेक्चर में आज मैं आपको दो पॉइंट्स डिस्कस करूंगी. फर्स्ट, मीनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेकेंड, रेमेडीज अवेलेबल टू एग्रीव्ड पार्टी. ओके, सो सबसे पहला है मीनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें जो पार्टीज होती हैं उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं. सो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने से मना कर दे, ये लाइंस मैंने अंडरलाइन भी कर रखी हैं कि अपनी डज नॉट परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस और एक्सप्रेसली रिफ्यूज. इफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस और एक्सप्रेसली रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अमाउंट टू कॉल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कि अगर एक पार्टी अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने से मना कर देती है तो हम ये कहते हैं कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, खंडित कर दिया है, तो ये हो गया आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब जब एक कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो जिस पार्टी ने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने से मना किया है उसको कहा जाता है डिफॉल्टिंग पार्टी, यानी कि दोषी पक्षकार, और जो दूसरी पार्टी होती है वो कहलाती है एग्रीव्ड पार्टी, यानी कि पीड़ित पक्षकार. ओके, सो अगेन आई रिपीट, जब एक पार्टी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा करने से, परफॉर्म करने से मना कर देती है तो हम कहते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट खंडित हुआ है. जो पार्टी परफॉर्मेंस करने को मना करती है वो कहलाती है डिफॉल्टिंग पार्टी, यानी कि दोषी पक्षकार, और दूसरी पार्टी कहलाती है एग्रीव्ड पार्टी, यानी कि पीड़ित पक्षकार. ओके, सो ये तो था मीनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ अब हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट रेमेडीज अवेलेबल टू एग्रीव्ड पार्टी, कि जो पीड़ित पक्षकार है उसको इस कंडीशन में क्या क्या रेमेडीज या उपचार प्राप्त हैं. सो सबसे पहला है एक्सनोरेशन, यानी निष्पादन से मुक्त. अगर एक पार्टी अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने से मना कर रही है तो जो दूसरी पार्टी है यानी कि एग्रीव्ड पार्टी है, पीड़ित पक्षकार है, वो ये अज्यूम कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान सकता है. और जब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही मान लेगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी फर्दर परफॉर्मेंस उसकी तरफ से बाकी थी अब वो उसको पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है. जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है कि मोहन ने सोहन को ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फिक्स्ड डेट पर सर्टेन गुड्स प्रोवाइड कराऊंगा और उसके बदले में सोहन उसे 10,000 रुपीज का पेमेंट करेगा. बट उस प्रेस्क्राइब्ड प्रॉमिस टाइम पर मोहन ने वो गुड्स डिलीवर करने से रिफ्यूज कर दिया, तो मोहन ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट खंडित कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. मोहन कौन है, डिफॉल्टिंग पार्टी है, ठीक है, और सोहन कौन है, एग्रीव्ड पार्टी है. तो अब चूंकि मोहन ने ही गुड्स को डिलीवर नहीं किया है तो इस कंडीशन में जबकि
सोहन ये अज्यूम कर लेगा कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया है क्योंकि मोहन ने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने से मना कर दिया है। इस केस में अब सोहन का जो कमिटमेंट था कि वो 10,000 रुपीज पे करेगा, वो अब उसे पे करने से फ्री है। ओके, सो ये होता है आपका एक्सोनरेशन। बट इस सिचुएशन के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यानी कि अपवाद भी हैं। इन सिचुएशंस में ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन सिचुएशंस में जो एग्रीव्ड पार्टी है वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए मना नहीं कर सकती है और वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल अज्यूम नहीं कर सकती। फर्स्ट सिचुएशन ये होती है व्हेन द एग्रीव्ड पार्टी who wants to be exonerated from the contract has given his express or treat confirmation to the contract। जो पीड़ित पक्षकार है जो कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मानना चाहता है, अगर उसने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की कंफर्मेशन पहले ही दे दी है तो अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकता। सेकेंड, When the contract is not divisible, अगर contract इस तरीके का है कि आप उसको parts में नहीं बांट सकते हो और जो aggrieved party है वो किसी एक part को ही cancel करवाना चाहती है या cancel assume करना चाहती है, तो चूंकि वो contract divide हो ही नहीं सकता तो फिर aggrieved party अपनी responsibility से नहीं बच सकती। And third ये होता है When without the fault of parties to the contract, the situation changes and it is no more possible for the parties to go back to the old state. Parties दोनों ही नहीं चाहती थी, but फिर भी situations कुछ इस तरीके की हो गई हैं कि अब उस contract को cancel नहीं किया जा सकता। तो in that case भी aggrieved party उसके अपनी performance करने से मना नहीं कर सकती। Okay? And next, when the contract is in a state of change with the entrance of a third party and the third party has lawfully and in good faith acquired the right of performance of the whole or a part of the contract, okay? मान लीजिए उस contract में अब कोई third party enter हुई है और third party ने good faith में ये कह दिया है कि भाई मैं इस contract को या इसके इस part को perform करूंगा, तो in that case भी जो aggrieved party है अब वो उसको करने से मना नहीं कर सकती। okay? So ये अपना कौन सा point था? Exoneration। Now अब जो next point है वो है कि जो aggrieved पार्टी है उसको जो नेक्स्ट रेमेडी प्रोवाइड की जाती है वो की जाती है क्लेम फॉर डैमेज के लिए। ओके, हर्जाने के लिए अधिकार। ऑब्वियसली जो डैमेज है वो मॉनेटरी कंपनसेशन की बात की जा रही है। डैमेजेस आर अ मॉनेटरी कंपनसेशन अलाउड टू द aggrieved पार्टी बाय लॉ for the loss or injury suffered by him for a breach of contract। जो पीड़ित पक्षकार है उसको लॉ ये भी रेमेडी प्रोवाइड करता है कि जो भी लॉस या इंजरी उसे हुई है उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से, उसके अगेंस्ट में जो भी हर्जाना उसका होता है, जो भी मॉनेटरी कंपनसेशन होता है, वो उसके लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, द एग्री पार्टी कैन स्यू फॉर क्लेमिंग सच राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट डैमेजेस आर अ कंपनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड बाय और द डैमेज डन टू द एग्री पार्टी बाय द ब्रीच एंड कॉन्सिक्वेंट एब्रोशन और अ कॉन्ट्रैक्ट। द लॉ देयरफॉर विल अलाउ सच डैमेज एज आर कम्युनिकेट विद द लॉस ऑफ द एग्रीड पार्टी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम क्लेम फॉर डैमेजेस की बात कर रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के टूटने के कारण, ब्रीच होने के कारण पीड़ित पक्षकार को जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ उस नुकसान की भरपाई के लिए ही
उस नुकसान की भरपाई के लिए ही क्लेम कर सकता है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट। इट मींस उचित पारिश्रमिक का अधिकार या अर्जित परिणाम। क्वांटम मेरिट जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है एज मच एज अर्न्ड। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के रहते हुए जो पीड़ित पक्षकार ने उसने कुछ इस तरीके के काम कर लिए हैं जो कि अब वो पीछे नहीं हट सकता और दूसरी पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। इन दैट केस अब पीड़ित पक्षकार चूंकि अपनी तरफ से खर्चा कर चुका है, अपना काम पूरा कर चुका है, तो इन दैट केस जो भी उसका उचित पारिश्रमिक होता है, जो भी उसने कमाया है, एटलीस्ट उसको उतना मिलना चाहिए। ठीक है, सी इंप्लाइज पेमेंट टू अ पार्टी ऑफ एज मच एज मनी द पार्टी वुड हैव अर्नड हैड देयर बीन नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन वन पार्टी एट द रिक्वेस्ट ऑफ अनादर डज समथिंग और सप्लाइज गुड्स टू द अदर पार्टी एंड इफ द कंपनसेशन ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज हैज नॉट बीन डिफाइंड एट द टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट देन द लॉ डिसाइड्स वॉट शुड बी एन एडिक्वेट कंपनसेशन फॉर सच गुड्स और सर्विसेज। दिस इज कॉल्ड क्वांटम मेरिट। मीन्स जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब उन गुड्स और सर्विसेज के लिए कोई भी प्राइस डिसाइड नहीं किया गया था, लेकिन जो पीड़ित पक्षकार ने उसने अपनी तरफ से अपनी ऑब्लिगेशंस कंप्लीट कर दी है, यानी जो भी गुड्स डिलीवर करनी थी या जो भी सर्विस प्रोवाइड करानी थी वो उसने स्टार्ट कर दिया था और बीच में ही जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तो इन दैट केस अब चूंकि पहले से तो कोई प्राइस डिसाइड ही नहीं था, तो हर जगह लॉ क्या कहता है कि अगर कोई टाइम डिसाइड नहीं है, अगर कोई प्राइस डिसाइड नहीं है, अगर कोई प्लेस डिसाइड नहीं है, तो हमेशा हर चीज कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। तो यहां पर भी वही बात है कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट जब किया गया था उस समय उन गुड्स और सर्विसेज के लिए कोई भी प्राइस डिसाइड नहीं किया गया था, बट अब एट द टाइम ऑफ द ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्रीव्ड पार्टी ने, पीड़ित पक्षकार ने अपनी तरफ से अपनी ऑब्लिगेशंस कंप्लीट कर दी है, तो उसके बदले में जो भी उचित पारिश्रमिक होता है वो उसको मिलना चाहिए। ओके, बट इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड दैट डिफाइंस द कंपनसेशन टू बी पेड टू अ पार्टी फॉर अ कंप्लीट जॉब एंड ओनली अ पार्ट ऑफ जॉब इज कंप्लीटेड, the party doing the job cannot claim to be paid under as much as earned principal. It means आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जब contract किया गया था उस समय अगर कोई compensating price decide नहीं हुआ था, कुछ भी decide नहीं हुआ था, तब तो जो पीड़ित पक्षकार है वो as much as earned principal के अंतर्गत के इनसाइड ये बोल सकता है कि भाई मेरे को इतना पेमेंट किया जाए, बट जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब अगर ये बात डिसाइड हो चुकी थी कि जब काम कंप्लीट होगा तो ही प्राइस पे किया जाएगा, पार्टेड वर्क के लिए पे नहीं किया जाएगा, तो इन दैट केस इस रूल के अगेंस्ट में एग्रीव्ड पार्टी कोई भी क्लेम नहीं कर सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी निर्दिष्ट निष्पादन का अधिकार। सी अगर कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके का है कि उसके टूटने से सामने वाली पार्टी को नुकसान बहुत ज्यादा है, तो लॉ ये कह सकता है कि भाई आपको इसका इतना काम तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। व्हेन In the case of a breach of contract, damages are not deemed to be an adequate remedy. The aggrieved party can sue the party in breach to carry out his promise. In other words, the party in breach can be lawfully bound to perform
as per the terms of the original contract. This is a direction by court for specific performance of contract at the suit of the aggrieved party. Means, अगर contract कुछ इस तरीके का है कि उसके लिए जो कि अगर वो पूरा नहीं हुआ तो aggrieved party को जो damage होगा उस damage को किसी भी तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता, तो पीड़ित पक्षकार कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट डिफॉल्टिंग पार्टी को फोर्स कर सकता है कि आपको ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये स्पेसिफिक काम तो पूरा करके देना ही होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट है क्लेम फॉर इंजेक्शन, मींस निषेधाज्ञा पाने का अधिकार. An injection is a means of claiming specific performance where such performance involves restraining a party from doing what he has promised not to do. It is a negative order by the court that restrained a party from doing something. ठीक है, इसका मतलब ये है, जैसे इसको एक example से समझाती हूँ. Like A एक singer है, ठीक है, उसने एक theatre में ये promise किया कि मैं 2 months तक twice a week वहाँ पर singing करूँगी. Okay, but कुछ weeks बाद वो वहाँ पर perform करने नहीं गई, वो वहाँ पर absent हो गई. तो जो थिएटर का ओनर है वो क्या क्लेम कर सकता है कि अब वो ए को आगे के वीक्स के लिए काम करने से मना कर सकता है और एक ऑर्डर निकलवा सकता है क्लेम्स और इंजेक्शंस में कि जितने टाइम के लिए उसने मेरे यहां पर काम करने के लिए हां की थी और अब वो नहीं कर रही है, उतने टाइम वो किसी भी और थिएटर में परफॉर्म नहीं कर सकती है. ओके, सो ये अपने सारे क्या थे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रिच होता है तो जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, पीड़ित पार्टी होती है, उसको क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं. ओके, सो गो थ्रू विद दिस ऑडियो. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा. थैंक यू.